देखने में कितनी खूबसूरत ये पूरी की पूरी ये गाड़ी लग रही है इस वक्त। डिस्प्ले देखिए, पूरा का पूरा डीसी एक ही, यहाँ से लेके वहाँ तक सिंगल पैनल है। यहाँ पे देखेंगे 360 व्यू कैमरा है, 360 व्यू कैमरा आप देख सकते हैं। ये देखिए एक चीज जो मैं नोटिस की, ये देखिए अगर आपको थाई स्पोर्ट ज्यादा चाहिए तो उसको आगे भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप की गाड़ी यहाँ है, चाबी नहीं है आपके पास, जिसके पास डिजिटल की अथॉरिटी है वो आपको डिजिटल की शेयर कर देगा व्हाट्सएप में। तो सबसे पहले तो आपकी नजर जाएगी, देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं इसमें, 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा है गाड़ी में। देखिए यहाँ प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स है ना, और जो जिस खूबसूरती से इसको तराशा है, जिसको मैं कहूँगा तराशा गया, जैसे मतलब जब धूप जैसे होगी ना शाम की धूप या सुबह की, तब इसका ये जो रंग बड़ा बहुत प्यारा लगेगा, जैसे झील होती है ना कोई बड़ी। कनेक्टेड टेल लाइट है, और यहाँ देख सकते हैं पीछे भी इन्होंने वाइपर देकर रखा हुआ, पूरा खुल गया पीछे तक। मैं आपको बताऊं, और आपको बताऊं सर, ये पहली ऐसी गाड़ी है जो इस सेगमेंट की पहली गाड़ी, इसमें पैनोरमिक सनरूफ के साथ ये आ रहा था। इसमें स्टीयरिंग आप देखें सर, ये एडजस्टेबल है, और ये टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है। यहाँ दिख रहा है मेरे को 24.5 इनकी साइड का टेम्परेचर, और 17 वाला जो है मेरी साइड जो एसी चला हुआ है उसका टेम्परेचर 17 है। ये 6 सीट्स में जो अवेलेबल है लग्जरी इसमें सेगमेंट में आएगा, जिसमें मैं हूं देवभूमि हुंडई के शोरूम में घुटकर में इस वक्त, और यहां आज लॉन्च हुई है अल्काज़ार का नया वर्जन, फेसलिफ्ट वर्जन। वैसे मैं बताऊं 2021 में अल्काज़ार लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद आज इसका एक अपडेट आया है। आप देखिए, पहले तो देखने में कितनी खूबसूरत ये पूरी की पूरी ये गाड़ी लग रही है इस वक्त। DRL आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्होंने यहाँ प्लेस किया, और ऐसे अगर मैं बताऊँ ना स्मूथनेस देखो, यहाँ पे कर्व देखो कितना जबरदस्त दिया हुआ है इन्होंने। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन में ये रहेगी, जो पेट्रोल वाला वर्जन रहेगा, और 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन इसका रहेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड DCT पेट्रोल की अगर आप लेंगे तो DCT ट्रांसमिशन मिलेगा आपको ऑटोमेटिक, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल वाले केस में आपको मिलेगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँ, देखो ये इसकी अगर मैं आपको पूरी टोटल हाइट की अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक, तो हाइट इसकी 1710 यानी 1710 mm की हाइट है। अगर मैं आगे इसकी विड्थ की आपको बात करूँगा तो विड्थ जो है इसकी वो 1800 mm इसकी विड्थ है, और अगर मैं लेंथ की बात करूँगा पूरी गाड़ी की जो लेंथ है वो 4560 यानी 4560 mm की ये इतनी लंबी ये गाड़ी है। 6 सीटर है, क्योंकि पीछे वाले जो 2 सीट है वो भी इन्होंने मतलब ऐसे जॉइंट नहीं की हुई है, तो 6 सीटर गाड़ी है, 2 आगे 2 यहाँ पे देखिए पैसेंजर सीट पे, और 2 जो पीछे वाली सीट है वहाँ पे आ सकते हैं। देखिए सनसेट का फीचर है इसमें, आप ये देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ना केवल आगे की पीछे की, ये वाली सीट्स भी सेकेंड रो। बाकी मैं बताऊँ, देखिए अंदर का डिज़ाइन भी ज़बरदस्त है, और Level 2 ADAS सिस्टम है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सर्विस जिसे कहा जाता है, और साथ ही सराउंड व्यू मॉनिटर है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, रेन सेंसर वाइपर्स है, ये इसमें ऐड ऑन हुआ है नया फीचर। और उदेश राणा भाई हमारे साथ और एरिया सेल्स मैनेजर हैं, ये देखिए हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में, और थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे सर क्या क्या नए फीचर इसमें ऐड ऑन हुए हैं। सर देखिए, ये बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये नया जो मॉडल है काफ़ी टाइम से वेटेड था अल्काज़ार। जैसे आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही एडवांस फीचर है डिजिटल की, आपने सुना होगा बहुत ही एडवांस की है। इसमें क्या आएगा, जैसे आप डिजिटली भी अपनी गाड़ी की किसी को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आप की गाड़ी यहाँ है, चाबी नहीं है आपके पास, जिसके पास डिजिटल की अथॉरिटी है वो आपको डिजिटल की शेयर कर देगा व्हाट्सएप में, तो डिजिटल की आपकी जनरेट हो जाएगी, आप जैसे अपने फ़ोन से ही गाड़ी अनलॉक कर लेंगे। गाड़ी बहुत बढ़िया सिस्टम कर सकते हैं, और बहुत ही एडवांस फीचर है। साथ ही साथ इसमें आपको सेकंड रो में फर्स्ट इन सेगमेंट, फ्रंट में तो है ही वेंडल सीट, आपको सेकंड रो भी वेंडल सीट रहेगा, और जो को ड्राइवर सीट है उसके बैक जैसे सेकंड रो सीट से ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आपको रहेगा दोनों साइड जो है वो। देखिए ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पे दे रखे, देखते मैं एक दबाता हूँ ना, वो देखो इधर सीट, देखो सीट आगे हो गई। अब मैं 2 नंबर दबाऊंगा, देखो यहाँ पे आप सीट पे फोकस रखना, जैसे मैं 2 नंबर दबाया तो देखिए सीट फिर से पीछे चली गई, यानी कि अगर दो ड्राइवर हैं तो दोनों के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। मैं अभी इसमें बैठा था, एक और फीचर है, जैसे मैं उतरने मैंने गाड़ी ऑफ की तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे गई। काफ़ी सारी और गाड़ियों में है ये फीचर, और उसके बाद आप इसमें मैं उतर सकता। सबसे पहले तो आपकी नज़र जाएगी, देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं इसमें, 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहा है गाड़ी में,
और ये जैसे आप देख रहे हैं DCT ऑटोमेटिक जो मॉडल है पेट्रोल का, ये सबसे टॉप एंड मॉडल है सिग्नेचर। इसमें मॉडल जो आते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव मॉडल आ गया, प्लेटिनम आ गया, और ये सबसे ऊपर टॉप एंड आता है सिग्नेचर मॉडल। इसमें मेरे को ना आगे का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत लगा, मतलब जितना जो इन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स है ना, और जो जिस खूबसूरती से इसको तराशा है, जिसको मैं कहूँगा तराशा गया जैसे। ये हुंडई शेप्ड आपको यहाँ पे दिया है फ्रंट में, जो DRL लाइट दी है, और तो बहुत ही प्यारा लुक आता है गाड़ी का। और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो भी बहुत प्यारा एक डिज़ाइन दिया हुआ है। कैमरा भी दिख रहा है मुझे फ्रंट। हाँ, ये फ्रंट, ये इसमें अडास भी अवेलेबल है सर, लेवल 2 का अडास सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें 19 टोटल फीचर्स अवेलेबल है, और 70 प्लस सेफ्टी फीचर के साथ ये गाड़ी आपको मिल रही है। ठीक है, 70 प्लस, हाँ 70 प्लस 70 फीचर के साथ, सेफ्टी फीचर के साथ ये गाड़ी आपको मिल रही है। तो ये अपने सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जो 14,99,000 से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम, और डीजल की बात करें तो 15,99,000 से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम प्राइस। तो एक बहुत ही इस प्राइस रेंज की पहली ऐसी गाड़ी है जो इतने एडवांस फीचर के साथ आपको मिल रही है। चलिए उदय भाई पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे से भी दिखाएं गाड़ी को, आप गाड़ी पे फोकस रखिए प्लीज़। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, आजकल ज़्यादातर गाड़ी में होता ही है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, और ये बिल्कुल जिस ये शाइन कर रहा है, ये कलर का क्या बोलेंगे सर इसका लुक? ये मेरे को हल्का, मेरे को बहुत डार्क सा ग्रीन दिख रहा है यार। ये ग्रीन है, अगर आप वैसे एक नज़र डालेंगे तो ब्लैक शेड आएगा अंधेरे में, अगर थोड़ा आप जो है दिन के रोशनी में होगे तो उसमें आपको एक ब्लू सा शेड आएगा यहाँ पे, कलर सर। और सामने आप देख रहे हैं मैडम, यहाँ पे आपको ज़्यादा एक फोकस कीजिएगा, ये इस तरह का कलर है सर। ये मतलब जब धूप जैसे होगी ना, शाम की धूप या सुबह की, तब इसका ये जो रंग बड़ा बहुत प्यारा लगेगा, जैसे झील होती है ना कोई बड़ी। ये 6 सीट्स में जो अवेलेबल है लग्जरी इसमें सेगमेंट में आएगा, जिसमें आपको ये कैप्टन सीट भी अवेलेबल है। रियर में थर्ड रो में आप देखेंगे यहाँ भी AC है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ भी चार्जिंग का भी सॉकेट है, एडजस्ट भी कर सकते हैं सीट को। यहाँ देखिए AC का आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए लास्ट में भी देखिए आप AC का कंट्रोल दे रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको AC का वेंट है, यहाँ आपका फोल्डर भी है, कुछ छोटा मोटा सामान आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं। इन सीट्स को फोल्ड कर देंगे तो कितना इसका वो स्पेस बन जाएगा सर, बूट स्पेस? देखिए जी, बूट स्पेस अगर आप बात करें, ये नॉर्मल अगर सीट ओपन होती है तो 180 लीटर बेस्ट इस सेगमेंट इसका बूट स्पेस है। अब इनको फोल्ड करते हैं तो लगभग ये सीट्स अगर फोल्ड कर देंगे तो लगभग 600 प्लस आपको लीटर आ जाएगा। अगर थर्ड रो भी आपका जो अगला सेकेंड रो भी फोल्ड करते हैं तो फिर तो 1000 प्लस आपका बूट स्पेस बन जाएगा। मल्टीपर्पज गाड़ी, मल्टीपर्पज। और दूसरा देखिए यहाँ पे स्पीकर, देखिए यहाँ पे बोस का स्पीकर एक लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पे जो इसकी सबसे जो बेस्ट म्यूजिक सिस्टम इसमें यूज किया गया है, साउंड सिस्टम बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम। स्पेयर टायर नीचे है, और यहाँ पे देखिए जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ लगा रखे हैं, देखिए दो एग्जॉस्ट है, ये भी जो पीछे से एडजस्ट मिल रहा है, जो एक स्पोर्टी आपको फील देता है गाड़ी को, लुक भी देता है और फील भी देता है, एक साउंड बहुत प्यारा आएगा इसका, एक्सपोर्टी साउंड गाड़ी देती है, साउंड देखिए जब चलेगी जी। और ये देखिए अगर हम फिर से मैं एक बार आपको पीछे का वो दिखाऊं, यहाँ सिग्नेचर की ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं अल्काज़ार की ब्रांडिंग है, अल्काज़ार लिखा, और ये फाइबर लगा हुआ है, कनेक्टेड कनेक्टेड टेल लाइट है, और यहाँ देख सकते हैं पीछे भी इन्होंने वाइपर देकर रखा हुआ है। एक बात और आपको बताऊँ सर, ये टर्बो इंजन है इस टाइम, तो डिस्प्ले में देख रहे हैं पेट्रोल का, तो इसमें जो पावर आएगी 160 PS की पावर जनरेट करता है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। जी जी, और वे अपने सेगमेंट की इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी में से एक है। चलिए अब अंदर चल के अंदर की खूबसूरती को दिखाएंगे आपको कि अंदर से एक ऐसी दिखती है गाड़ी, और अंदर क्या क्या हमको फीचर मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा फीचर है गाड़ियों का जिनमें सनरूफ होता है, लगता है मैं सबसे पहले अंदर आके ना सनरूफ ही खोलता हूँ। तो ये देखिए मैं वॉइस कमांड पे खोलूँगा, हालांकि यहाँ बटन रहता है, ओपन द सनरूफ, देश भाई ने कमांड दिया ओपन द सनरूफ। ओ देखिए में पूरा जिसको कहते हैं ना पैनोरामिक सनरूफ है, पूरा खुल गया पीछे तक, मैं आपको बताऊं। और आपको बताऊं सर, ये पहली ऐसी गाड़ी है जो इस सेगमेंट की पहली गाड़ी, इसमें पैनोरामिक सनरूफ के साथ ये आ रहा था इसमें, जो शुरुआत से जब से आया तो पहली गाड़ी है। और Hyundai की आपको बात करूं तो Hyundai के जो R&R है, अपने R&D जो सेंटर है, तो Hyundai इतने एडवांस फीचर खुद ही इंट्रोड्यूस करता है और अदर कंपनीज उसको फॉलो करती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वी आर द लीडर इन इंडिया एंड एज वेल एज इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अंदर हम बैठ चुके हैं, कीज़ देखिए कितनी खूबसूरत कीज़ इनकी है, जो अभी इन्होंने बताया था, बड़ा एडवांस कीज़ हैं, आप किसी को लिंक भी दे सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और उस पर खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड का बताऊँ, ड्यूल टोन में, ड्यूल कलर में, ये डार्क कलर है, और ये आपके देख सकते हैं
चॉकलेट ब्राउन कलर यहाँ पे आपको मिलेगा और बहुत ही स्लीक ये पूरा डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है इस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी डिस्प्ले देखिए पूरा का पूरा डिस्प्ले एक ही यहाँ से लेके वहाँ तक सिंगल पैनल है जी। बाकी उदय भाई हमको बताएंगे बाकी क्या क्या है इसमें। हाँ जी उदेश जी, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे स्टेयरिंग में आप कंट्रोल देख रहे हैं, यहाँ पे अडास सिस्टम आपको लेवल 2 का मिल रहा है, ठीक है जी। क्रूज कंट्रोल है आपको इसमें, पडल शिफ्टर भी आपको मिल जाता है जिसमें आप जो है यहीं से आपकी स्पीड अपने गियर चेंज कर सकते हैं, एकदम से आपने अपनी गाड़ी को गियर बूस्ट करना है। क्लस्टर की बात करें, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर आप देख रहे हैं, आप जिस साइड को हमने इंडिकेट किया है उस साइड को ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी आपको दिख रहा है। बहुत ही अच्छा फीचर है, आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे दोनों साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। आप जैसे बैक करेंगे तो रिवर्स में करेंगे, रिवर्स में भी आप यहाँ पे देखेंगे 360 व्यू कैमरा है, 360 व्यू कैमरा आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं, तो बहुत सेफ्टी है इसमें देख सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया कवर कर रहा है, बहुत वाइड एरिया कवर कर रहा है, तो आपको ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी रहती है और सेफ्टी रहती है। ये कितने इंच का होगा, ये काफी बड़ा डिस्प्ले, 10 इंच का आपका रहेगा सर इसमें डिस्प्ले जो रहेगा। एक इसमें गाड़ी की भी एक आपको इंटरनल एक खूबसूरती नजर आएगी, ब्यूटी नजर आएगी। तो ये इस तरह का पैनल दिया है, ये फर्स्ट सेगमेंट है जो इस सेगमेंट की गाड़ी में किसी भी में भी इतना अच्छा पैनल जो क्लस्टर नहीं दिया हुआ है। ये अपना जो स्टीयरिंग है ये एडजस्टेबल है, हाँ स्टीयरिंग आप देखें सर ये एडजस्टेबल है और ये टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों है। हाँ दोनों फीचर इसमें मिल रहे हैं, तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा है सर इसमें। और इसमें आप बात करें अडास लेवल 2 का अडास सिस्टम दिया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो अडास सिस्टम लेवल 2 का आपको मिल रहा है। और ये SOS फीचर ये क्या है? ये फीचर है सर ब्लूलिंक, इसके बारे में बताऊँ तो ये एक ऐसा फीचर है जो डायरेक्ट कनेक्टेड कार इसको बोलते हैं। और आपको याद होगा कि इंडिया में पहला ये कनेक्टेड कार लाने वाली गाड़ी हुंडई ही है, तो हमने पहली गाड़ी लाई थी और वेन्यू में कनेक्टेड कार का फीचर दिया था। तो अभी ये धीरे धीरे हमारी सभी ऑलमोस्ट गाड़ियों में आ चुका है, तो अभी ये देखेंगे ये भी एडवांस फीचर के साथ है जिसमें आप अपनी गाड़ी कहीं भी दुनिया में बैठ के आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी कहाँ चल रही है। और गाड़ी कोई अगर आपका रिलेटिव को लेके गया, कोई भी लेके गया, गाड़ी किस हिसाब से चल रही है, उसकी गाड़ी में कोई किस तरह की पैनिक ब्रेक यूज़ हुई है या गाड़ी का आपने सर्विस हिस्ट्री चेक करना, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप किसी को गाड़ी दे दो टेंशन फ्री रहो और आप सारा कुछ उसका डेटा अपने मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई कितनी स्पीड पे चल रही है, कितना फ्यूल है उसमें और किस तरीके से चलाई। ये जो यहाँ पे एसी का कंट्रोल, ये ड्यूल कंट्रोल है, मैं वही देख रहा था कि एसी के इस तरह भी कंट्रोल दे रखा है और इस तरह भी दे रखा है, आप चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें अपने ये सीट का इसके लिए, हाँ ये जैसे मैं चाहूँगा थोड़ा इसको बढ़ाना, जैसे थोड़ी कूलिंग कम करना, तो मैं कूलिंग कम कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कूलिंग ज़्यादा, तो आप कूलिंग कम से कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी। ये मतलब इन वेंट्स के लिए भी काम करेगा कि दिस इज ओनली फॉर ए सीट्स? नहीं ऑल वेंट्स, नॉट ओनली सीट भी, ऑल वेंट्स जो भी आपके ए सी वेंट्स सब में आपको वर्क करेगा। कई बार होता है ना कि गाड़ी में बैठे हो तो एक बंदा बोलता है कि यार मेरे को ठंड लग रही है ए सी ऑफ करो, तो वो अपनी साइड का थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। देखिए दो यहाँ दिख रहा है मेरे को 24.5 इनकी साइड का टेम्परेचर है और 17 वाला जो है मेरी साइड जो ए सी चला हुआ है उसका टेम्परेचर इस वक्त 17 है। तो ये भी मेरे ख्याल से इसी में फेसलिफ्ट में ये डाला इन्होंने। जी हाँ ये अभी फर्स्ट सेगमेंट इसमें आया, हमने हमारे क्रेटा में भी ये फीचर दे दिया है, क्रेटा में यही फीचर आपको ड्यूल कंट्रोल आपको एसी मिल रहा है। और वायरलेस चार्जर आप देख रहे हैं, वायरलेस जैसा आपने फोन, ये वायरलेस चार्जर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फोन रखेंगे वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। अगर USB यहाँ पे दे रखा है, 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट दे रखा है और ये फास्ट चार्जिंग का सी टाइप जो सी टाइप चार्जर है, ये मल्टीपल चार्जर है और ये आपका पेन ड्राइव का है। भाई कमाल की गाड़ी बनाई है हुंडई वालों ने, मैं बताऊं आप, अल्काज़ार का फेसलिफ्ट, अल्काज़ार मैंने वैसे पहले बताया कि पहले आ चुकी है लेकिन उसका फेसलिफ्ट वर्जन ये लॉन्च हुआ है। जो पीछे का कंफर्ट दिखाते हैं आपको कि जो पीछे बैठे होंगे लोग उनको कैसा लगेगा। तो पीछे का अगर मैं स्पेस की बात करूं, बड़ा ही कम्फर्टेबल यहाँ पे बंदे बैठ सकते हैं, दो लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। ऊपर पूरा अभी इस वक्त क्योंकि सनरूफ खोल रखा है तो भाई ये अपने में बड़ा अच्छा ऐसा, स्पेशली अगर आप पहाड़ वहाड़ में जा रहे हो ना घूमने के लिए, ऐसे लेट जाओ पीछे और ऐसे पहाड़ दिखते रहेंगे आपको, आसमान दिखता रहेगा, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। सर्दियों में तो बड़ा ही किस बड़ा अच्छा फीचर है, अब गाड़ी गर्म भी रहेगी। बाकी यहाँ का मैं बताऊँ तो ये देखिए, पहले तो मैं सीट के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी जिसको कहेंगे ना कुशनिंग की गई है और ये इसकी जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत गजब की लग रही है। एक चीज़ जो मैं नोटिस की, ये देखिए अगर आपको थाई स्पोर्ट ज़्यादा चाहिए तो उसको आगे भी कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ये और लंबी होगी सीट, थाई स्पोर्ट आपको ज़्यादा मिल गया और पीछे करके इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इनिशियल पोजीशन में। आगे बैठ के उदेश भाई से मैंने जो एक फीचर पूछा था ना कि पीछे वाली गाड़ी है, पीछे वाली जो सीट है उनका वेंटिलेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, उसका बटन देखिए यहाँ दे रखा है,
तीन इसमें मोड है, ये देखिए वन, ये होगा वन, जैसे दबाएंगे तो फुल उसमें रहेगा, उसके बाद ये एक कम और ये अगर वन नंबर, मतलब ये तीन मोड है इसमें भी, जितनी कूलिंग आप चाहेंगे। ये सीट भी आपकी अंदर से कूल होना शुरू हो जाएगी गर्मियों में, भाई ये फीचर बड़ा ही सुकून देगा आपको। उदेश राणा जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमको, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन बताई लोगों को। बाकी नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उदेश जी का नंबर भी उसमें होगा, आप अगर लेना चाहते हैं पर्सनली ये आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, तो नंबर हम पूरे शो के दौरान भी डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है, उन नंबर से आप क्वेरीज जो भी आपकी क्वेरी है आप उस पर कॉल कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग समझाते हैं चीज़ें। बाकी आना है तो देखिए गुटकर है, सामने जियो का पेट्रोल पंप है, उधर देखिए HDFC बैंक है, तो उसके ठीक सामने देवभूमि हुंडई का शोरूम है। बाकी देवभूमि हुंडई की मैं बताऊं पूरे हिमाचल में और भी जगह पे इनके, और भी डिस्ट्रिक्ट्स में इनके शोरूम, आठ जगह पे इनके शोरूम आपको। नाम मैं बता देता हूँ, देवभूमि जो हेड ऑफिस है वो मंडी में है, गुटकर में, शिमला में हमारा शोरूम है, रामपुर में आप जा सकते हैं, आप करसोग में जा सकते हैं, जोगिंदर नगर में जा सकते हैं, और बिलासपुर और घुमारवीं में भी हमारा शोरूम है, तो ऑलमोस्ट आधा हिमाचल हमारे पास अवेलेबल है। तो आप कहीं भी हमारे देवभूमि शोरूम में जाके गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी गाड़ी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज मेला भी चल रहा है, वो भी हमने दिखाई दिया, वो कबार एक्सचेंज मेला चल रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा आपको एक्सचेंज पे रेट मिल रहा है जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका और अच्छे रेट कस्टमर को मिल रहे हैं। तो आपसे ये आग्रह है, आप ज़रूर अपने नज़दीकी देवभूमि शोरूम में जाएँ और अपनी पुरानी गाड़ी की बेहतरीन कीमत पाएँ, और साथ में नई अल्कजार का भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।